गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसा आप सब? आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग ग्रेट। सो आज एक बहुत ही स्पेशल दिन है। आज है पहला बैशाख, यानी कि बंगाली न्यू ईयर। सो आप सभी को बंगाली न्यू ईयर की बहुत 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 शुभकामनाएं। आज के दिन का तुम्हारे खूब भलो काटुक एंड सबाईके जानाई आमार अनेक भालोबासा। बड़ोदेर जानाई आमार प्रणाम। छोटोदेर अनेक 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 भालोबासा। आप सभी का आज के दिन बहुत 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 अच्छा जाए। सिर्फ आज का दिन नहीं, हर एक दिन आप लोगों का बहुत अच्छा जाए। आज सभी लोग अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं, घूमने जाते हैं, खाना खाते बहुत अच्छा अच्छा। लेकिन मैं तो घूमने नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरे मम्मी को काम पे जाना पड़ा आज भी। सो मैं घर पे अपने तरीके से एंजॉय करूंगी, भगवान को थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाऊंगी एंड अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी। सो आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूंगी। सो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद मैं गई थी फूल तोड़ने। यहाँ पे देखो मेरा चुनू क्या कर रही है, कितना प्यार करने के लिए ये सब करती है। आज एक बहुत अच्छा सा डिश बनाऊंगी, बासंती पुलाव, जो बंगाली में बहुत ज़्यादा फेमस है। थोड़ा सा स्वीट स्वीट लगता है खाने में, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। चिकन के साथ बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मेरा आज वेज है तो हम पनीर के साथ खाएंगे, आलू का दम बनाऊंगी उसके साथ खाएंगे, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो अभी मैं चावल को धो के थोड़ा सा इधर एक अच्छा कपड़ा में रख दी थी सूखने के लिए। तो अभी ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, इसका जो पानी था बिल्कुल सोक कर लिया है। तो अभी इसको मैं मैरिनेट करूँगी, चलो आप लोगों को दिखाती हूँ। सो मैं अभी अदरक को पीस रही हूँ इस सील लोड़ा में, क्योंकि मैं जो बसंती पुलाव बनाऊँगी उसमें अदरक की पेस्ट ज़रूरत है, तो इसलिए मुझे इसको पीसना पड़ेगा। तो आप कहोगे कि मिक्सर में क्यों नहीं कर लेते, तो मेरा जो मिक्सर है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, मतलब की दुकान में देना पड़ेगा, तो इसीलिए ऐसा ही करना होगा। अभी मैं चावल को एक बोल में ले चुकी हूँ, अभी मैं इसमें जो अदरक का पेस्ट है वो डाल दूंगी। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी घी। घी ज्यादा डालना है। देन मैं इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर। ये वाला पुलाव थोड़ा सा येलो टाइप का होता है, येलो कलर का होता है, इसीलिए इसमें हल्दी पाउडर डालते हैं। उसके बाद मैं डाल दूंगी नमक। देन मैं इसमें थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डालूंगी, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे मम्मी काली मिर्च का पाउडर ज़्यादा पसंद नहीं करती है। एंड उसके बाद मैं डालूंगी गरम मसाला। चीनी को आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, क्योंकि ये वाला पुलाव थोड़ा सा मीठा मीठा होता है, इसमें चीनी डालना मस्ट है। तो मैं इसमें डालूंगी 3 से 4 चम्मच चीनी। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ। मैं 30 मिनट्स के लिए ढक के रख दूंगी एंड उसके बाद इसको मैं कुक करने के लिए बिठाऊंगी। ना मैं जो जो चीज़ फ्राई करूंगी उसको अभी काट रही हूँ। आज के दिन सभी अपने फैमिली के साथ घूमने जाते हैं, अच्छे से टाइम स्पेंड करता है, लेकिन मेरे मम्मी को आज काम पे जाना पड़ा तो मैं अकेले ही हूँ घर पे। कोई बात नहीं, इसलिए मैं अकेले ये सब कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ अच्छा अच्छा, ताकि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगे। एक एक दिन ऐसा होता है कि जब सब लोग सेलिब्रेट करता है आप अकेले रहते तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा सैड हो जाते हो आप। तो इसलिए आप अगर खुद से कुछ करोगे तो देखोगे बहुत अच्छा लगेगा। तो इसलिए आप बिजी भी रहोगे और ज़्यादा सैड फील नहीं होगा, तो इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ, इतना अच्छा अच्छा खाना बना रही हूँ ताकि मुझे थोड़ा अच्छा लगे। यहाँ पे मेरा आलू का दम बिल्कुल रेडी है। अभी सिर्फ मैं इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला डालूंगी एंड डालूंगी थोड़ा सा चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स। एक घी के वजह से बहुत अच्छा सा एक टेस्ट आएगा इसमें, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही डालूंगी एंड लास्ट में इसको सब चीज एक साथ मिला लूंगी एंड गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। यहाँ पे हो रहा है परवल फ्राई। यहाँ पे और 2 फ्राई ऑलरेडी हो चुका है, आलू फ्राई कर चुकी हूँ, भिंडी को फ्राई कर चुकी हूँ एंड यहाँ पे परवल को फ्राई कर रही हूँ। अभी ये बिल्कुल हो चुका है, अभी नेक्स्ट मैं बैंगन फ्राई करूँगी। और आलू का दम तो बिल्कुल रेडी है, इसको निकाल लूँगी एंड यहाँ पे पनीर बिठाऊँगी। अभी
देखो मैं यहाँ पे पनीर के लिए मसाला बिल्कुल रेडी कर चुकी हूँ। इसमें मैं डाली हूँ थोड़ा सा होल गरम मसाला, टोमेटो पेस्ट, अदरक की पेस्ट एंड पम्पकिन सीड्स एंड कैसियो नट्स की सीड्स का पेस्ट डाली हूँ। मेरे पास पॉपी सीड्स नहीं था इसलिए मैं पम्पकिन सीड्स यूज की हूँ। अगर आपके पास पॉपी सीड्स है तो आप पॉपी सीड्स को यूज़ करो। देन मैं इसमें पनीर डाल चुकी हूँ, इसमें अब मैं डाल दूंगी थोड़ा सा पानी। पनीर जो है अभी बिल्कुल रेडी है। इसमें मैं गरम मसाला डालती हूँ एंड लास्ट में थोड़ा सा चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स डाल चुकी हूँ। अभी मैं इसको निकाल के रख दूंगी। ये देखो यहाँ पे अभी हो रहा है गरम गरम फुलको फुलको लूची। बहुत दिन बाद लूची खाऊंगी। आज तो बहुत कुछ रेसिपी बना रही हूँ, तो अभी मैं बनाऊंगी बासुंती पुलाव जो मेरा बहुत ही फेवरेट है। तो पहले मैं होल गरम मसाला डाली थी घी में, उसके बाद मैं यहाँ पे काजू और किशमिश को डाल चुकी हूँ। जब काजू और किशमिश बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए तब मैं इसमें डाल दूंगी मैरिनेट किया हुआ चावल। चावल को मैं काजू किशमिश और होल गरम मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। एंड यहाँ पे ना मैं दो हरी मिर्च भी डाली थी, आप अपने हिसाब से तीखा को ऐड करो, ज़्यादा तीखा नहीं, थोड़ा सा हल्का सा एक तीखा रहेगा। एंड मैं अभी इसको ना ज़्यादा चलाना नहीं है, नहीं तो चावल जो है टूट सकता है। अभी मैं इसमें दो कप चावल डाली थी एंड उसके डबल मैं पानी डालूंगी, मतलब दो कप चावल डाली थी तो चार कप मैं पानी उबल के रखी हूँ उसको मैं यहाँ पर डाल दूँगी। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से चला देना है एंड उसके बाद मैं इसको 35 टू 40 मिनट तक बॉईल करूँगी, जब तक पानी जो है पूरा बिल्कुल ना सूख जाए तब तक मैं इसको पकाऊंगी। अभी पुलाव जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है, मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर चुकी हूँ। मैं रेडी हो चुकी हूँ, अभी मैं ब्लू कलर का एक साड़ी पहनी हूँ। ये एक्चुअली मेरा सरस्वती पूजा का साड़ी है, मैं सरस्वती पूजा के टाइम इसको खरीदी थी एंड इसके साथ एक ब्लाउज भी अलग से खरीदी थी। इसका जो ब्लाउज पीस है वो मैं अभी नहीं सिलवाई हूँ तो इसको इसके साथ मैच करके पहन ली हूँ। एंड मैं रेड साड़ी पहनना चाहती थी लेकिन अभी उतना रेड साड़ी नहीं है और एक जो है वो बहुत बार पहन चुकी हूँ तो सोचा कि कुछ अलग पहनते हैं इसलिए इसी को पहन ली हूँ। पता नहीं क्यों आसमान में थोड़ा सा बादल आ गया है, शायद बारिश हो सकता है एंड थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, फिर भी मैं दिखा देती हूँ। थोड़ा सा अंधेरा लग सकता है। जो बनाई हूँ मैं भगवान के लिए पूरा सजा के रखी हूँ उसी से मैं दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे है बासुंती पुलाव, यहाँ पे पूरी और सूजी जो हम बंगाली में बोलते हैं फूल को लूची वही है और सूजी है। यहाँ पे है पांच फ्राई, या इधर है भिंडी फ्राई, इधर परवल, इधर आलू फ्राई है, इधर लौकी का फ्राई, इधर है बैंगन की फ्राई और इधर दो अलग अलग टाइप का पापड़ मैं फ्राई करके दी हूँ। दोनों ही साबूदाना का पापड़ है, एक मसाला और एक प्लेन पापड़, और इधर है मसाला पनीर और इधर है आलू कदम। बस यही है भगवान के लिए एंड इधर है तीनों तरह की मिष्टी और इधर फल। आज ना खाना बहुत ही अच्छा हुआ था एंड जो बासुंती पुलाव था वो बहुत टेस्टी बना था एंड मेनली पनीर का सब्जी बहुत अच्छा हुआ था, मतलब सब मिला के सारा खाना बहुत अच्छा हुआ था, बिल्कुल लाजवाब हुआ था। अभी थोड़ा सा छत पे बैठूंगी एंड हवा की वजह से थोड़ा आवाज़ की प्रॉब्लम हो सकता है, घर पे ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी है इसलिए अभी छत पे बैठूंगी एंड आज के दिन को मैं अपने तरीके से एंजॉय करने की ट्राई की हूँ। आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, ऑल्सो कमेंट बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल बटन फॉर मोर अपडेट्स। टाटा, टेक केयर।